तुम्हें ऐसे उठकर नहीं आना चाहिए था समीना। शौकत, तो और क्या करती? आपकी बेटी की बेवकूफी पर उसका साथ देती? ये सब क्या है मम्मा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही, ये सब क्या है? तुमने उन लोगों को क्यों बुलाया? और उनकी जरूरत तो देखो, तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गए। मम्मा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जिसे पसंद करती हूँ आप उससे शादी करवाएंगी मेरी। हाँ, मुझे याद है कि सारा, मुझे ये नहीं पता था तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया भी हो सकती है। तुमने उस लड़के में देखा क्या था? हाँ, उनके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत स्टेटस नहीं देखती मम्मा। व्हाट? मोहब्बत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन सी मोहब्बत सारा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भूल रही हो उसकी हादिया से शादी हो रही थी, उस लड़के की चोरी पकड़ी गई थी। वो सब पुरानी बात है मम्मा, उमेर अब बदल चुका है। या अल्लाह, शौकत आप समझाएंगे अपनी बेटी को? ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है समीना, पर मैंने खुद देखा है उमेर अब पहले जैसा नहीं रहा। अच्छी भली जॉब कर रहा है, सुलझा हुआ समझदार लड़का है वो। आप क्या कह रहे हैं? दुनिया देखी है मैंने समीना, और मुझे तो खुशी है कि सारा ने दौलत को अहमियत नहीं दी। मुखलिस और अच्छा लाइफ पार्टनर ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। मुझे तो लगता है आप लोगों पर किसी ने जादू कर दिया है। तुम टेंशन मत लो, मैं समीना को समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा, अगर मम्मा नहीं मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सारा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है वो मान जाएगी।